ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को तीसरे टेस्ट में 115 रनों से हराया। पाकिस्तान को जीत के लिए दूसरी पारी में 351 रन चाहिए थे, लेकिन पूरी टीम 235 रन पर ही सिमट गई। मैच के पांचवें दिन हसन अली के रूप में पाकिस्तान का 8वां विकेट गिरा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की जीत मैच में लगभग तय हो गई। हसन अली 17 गेंदों पर 13 रन की पारी खेलने के बाद नाथन लायन की गेंद पर आउट हो गए। उस समय वार्नर सिली पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे। उन्होंने हसन अली के आउट होने के बाद उनके सामने जाकर उनके ही स्टाइल में जश्न मनाया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद जब ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान के खिलाड़ी मिलने गए तो डेविड वार्नर ने विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के सामने ही उनकी नकल उतारी। तीसरे टेस्ट जीतने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का सीरीज पर कब्जा भी हो गया है। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीता है। इससे पहले आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया ने 1998 में पाकिस्तान का दौरा किया था। लाहौर में कंगारू टीम ने जीत दर्ज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में नंबर 1 पर पहुंच गई है। दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया अब तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।